अरबों का घोटाला है, छोटे घोटाला नहीं है। जो यूपी बिहार से जीरी जो 1200 में आ रही है और यहाँ आकर 2200-2300 लग रही है ना, सरकार का चुनना लग रहा है। और मैं 40 साल से वोट रहूँ बीजेपी का, यहाँ तो 5-7 साल के वोटर में 40 साल से हो, और ये थोते ड्रामे करते हैं, सब पारदर्शी का ढोंग करते हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला है। वो जी क्या नाम है, खेट नंबर हो गया, और ये उनके नाम नंबर मिले हैं जी मेरे वो पोर्टल से, इनके ये करवा रहे हैं जी मेरा पंजीकरण। वो जी क्या नाम है, खेट नंबर हो गया, और ये उनके नाम नंबर मिले हैं जी मेरे वो पोर्टल से, इनके ये करवा रहे हैं जी मेरा पंजीकरण। गांव के लोगों का, गांव के लोगों का अभिवेद है जी इसमें, गांव के लोग भी उसका है, गांव चैन सिस्टम है जी, चैन सिस्टम इसमें सर, आसपास के सारे गांव में है जी, ऐसे जी है कैथल एरिया लगभग ब्रिकदान का जी। इस मकान का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी भाई, इसमें भी दान लग रहा है जी, मोटी पीआर। बाग लग रहे हैं गांव में, बाग में भी पीआर, ज्वार बो रखी है, ज्वार में भी, बाजरा में भी, खाली जमीन भी पड़ी है जी किसी की, इसमें भी जी। इस मेरा नाम कुलदीप है जी, बड़शिकरी खुर्द गांव से। मामला है जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो है पंजीकरण हो करता, उस पंजीकरण का फर्जीवाड़ा चल रहा है जी बहुत बड़ा। मेरे गांव की लगभग लगभग सारी की सारी जमीन का फर्जी पंजीकरण करवा रखा है जी बाहर की साइड के लोगों ने, जो यहां से कम 100-150-150 किलोमीटर दूर है, वो करवा रहे हैं जी। गांव में लगी हुई टोटल बारीक दान, और उन्होंने पंजीकरण में चढ़वा रखी है मोटी दान। अब यहां पे अब हमने जो करवाना था जी, जैसे जीरी कटेगी उसकी गांठे बनवानी थी, उसके जो पैसे आएंगे वो चले जाएंगे जी उनके खाते में, हम रह लेंगे ऐसे के ऐसे, जो भी गाज पड़ेगी हमारे ऊपर पड़ेगी। जैसे अभी पोर्टल खुला था जी 28-29-30 तारीख को, हमने पोर्टल पे चेक किया, जब उस पर हम कटवाने लगे तो वो कटवाने वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई शिकायत दर्ज करे उस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, पूरा स्कैम है जी इसमें। ना तो कोई सॉफ्टवेयर की वजह है भाई के नाम है मामले समाधान मिलता, प्रशासन भी हमारे साथ में कोई नहीं है भाई, पक्का समाधान नहीं बता रहा अभी तक ये नहीं है भाई। हम सबको मिल लिए, डीसी साहब से मिल लिए, एसपी से मिल लिए, एडीओ साहब से मिल लिए, एसडीएम से मिल लिए, किसी के पास से हमें कोई पक्का ये नहीं मिला भाई, हाँ आपका ये समाधान ऐसे हो जाएगा। इसमें जी 1000 इसमें पूरा गांव का 4040 एकड़ का रजिस्ट्रेशन फर्जी है। ये जी ये चैन सिस्टम है जी, मिली भगत है इसमें, प्रशासन की भी मिली भगत है जी। फिर भी कुछ आप एक बार वो दिखा रहे थे कि किसके नाम से, जैसे ये है जी मिल वाले भी हैं जी, फर्म है जी, और जैसे ये जी मेरे ये है जी, देखो ये मेरी वो होगी जी क्या नाम है, खेवट नंबर हो गए, और ये उनके नाम नंबर मिले हैं जी मेरे वो पोर्टल से, इनके ये करवा रहे हैं जी मेरा पंजीकरण। इनसे बातचीत की थी जी, ये एक तो जी सीधा पहले तो फोन नहीं उठाते, बहुत लंबा टाइम में फोन उठा मैं तो गाली गलोच भी करें जी, उल्टा सीधा भी बोले जी, कोई नहीं उन्हें भाई सीधा भाई प्यार था आराम था बता दे आदमी, बहुत लंबा स्कैम है इसमें। जैसे यूपी बिहार था ये जीरी लेके आवेंगे, आकर यहाँ वहां से कम रेट पे लेके आओगे, वहां पे पक्की मंडियां नहीं है, पक्की मंडियां टूट चुकी हैं, वहां से लेके अपने हरियाणा में यहाँ ले आकर ना सरकारी रेट पे बेचेंगे, मोटा स्कैम चल रहा है, मोटे पैसे कमावेंगे जी। और ना जी बिल्कुल झूठी है जी, बिल्कुल झूठी है जी। पोर्टल भी सरकार उस टाइम पे खोला है जिस टाइम पे इनकी वेरिफिकेशन करवानी हो या फिर पंजीकरण करवाना हो, उस टाइम पे पोर्टल खुला है। आम आदमी खातर, आम किसान खातर कोई पोर्टल नहीं खुलता, कोई कुछ नहीं होता जी। ऐसा है जी, जैसे यहाँ पे मकान बने हुआ है, इस मकान का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी भाई, इसमें भी दान लग रहा है जी, मोटी पीआर। बाग लग रहे हैं गांव में, बाग में भी पीआर, ज्वार बो रखी है, ज्वार में भी, बाजरा में भी, खाली जमीन भी पड़ी है जी किसी की, इसमें भी जी। गांव के लोगों का, गांव के लोगों का अभिवेद है जी इसमें, गांव के लोग भी उसका है, गांव चैन सिस्टम है जी, इसमें सर आसपास के सारे गांव में है जी, ऐसे जी है कैथल एरिया लगभग ब्रिकदान का है जी, सारे लगभग सारा का सारा में यूज स्कैम चल रहा है जी, पिछले 4-5 साल तक चल रहे हैं जी। अब ये है जी, गांव गुआंड भी सारे इकट्ठे हो गए ना जी, जाम हाईवे जाम कराएंगे जी। मेरा नाम सुनील नंबर धारा जी, मैं बड़शिकरी खुर्द का स्थायी निवासी हूँ। ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया मेरी जमीन पे, तो उस पर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण किसी और का हो गया था, तो मैंने उससे बात की भाई मेरी फसल पे मेरी जमीन पे तूने कैसे पंजीकरण करवा दिया। वो कह रहा जी मैंने तो करवाया नहीं, मैंने नहीं करवाया। वो कह रहा जी सीएससी सेंटर वाले ने कर दिया।
मां भाई मेरा गांव तेरे से बहुत दूर है, मेरी जमीन का छोट नंबर कैसे पहुंचा तेरे पास? तो कई सवाल पूछे मैंने उससे, तो कहने लगा जी सीएससी सेंटर वाले ने कर दिया। मां भाई तेरे पास ओटीपी आया मोबाइल पे, तो ओटीपी आया तो तू जिम्मेवार है। वो फिर थोड़ा सा दब गया, वो कह रहा जी कटवा देंगे ये कर देंगे, लेकिन कटवा नहीं गया। सभी के साथ है जी, मेरे साथ क्या, सभी किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भी मैनुअल कर देना चाहिए। जब एक बात बताओ, जब किसी के एक किला भी नाम नहीं है और 700-800 किलो का पंजीकरण करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? उस तो लिमिट होनी चाहिए ना पंजीकरण की, भी लिमिट होनी चाहिए। अरे भाई 10 किलो 20 किलो या कितनी जमीन है या किसके नाम जमीन है, उसका आधार कार्ड कोई पैन कार्ड उससे ज्वाइंट करे या मैनुअली कर दे, इंक्वायरी करो पटवारी से कौन पेयर लगा रहा है कौन नहीं, अपने आप कर दे देगा पटवारी, साफ सुथरा काम होगा, गिरदारी हो जाएगी। गवर्नमेंट सीकरी, जब मैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण करवाने गया तो मेरी फसल का पंजीकरण किसी और ने करवा रखा था। और पिछली साल भी मेरे साथ यही घटना हुई, मैंने गांठे बनवाई थी और जब मैंने गांठे वाले से यूं कहा भाई इनका क्या कुछ पेमेंट करोगे, वो बोले 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से देंगे, लेकिन उसका पंजीकरण किसी दूसरे के नाम था। और फिर पराली हमने कचरा बाड़ा और 2500 रुपए की पर्ची मैंने कटवाई, एक किला 1.5 किला का मेरा दंड लग गया और पेमेंट दूसरे ले गए। मैं 40 साल से वोटर हूँ बीजेपी का, यहाँ तो 5-7 साल के वोटर में 40 साल से हूँ, और ये थोते ड्रामे करते हैं, सब पारदर्शी का ढोंग करते हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला है। और मेरा एक और अनुरोध है सरकार से, ये जो पंजीकरण व्यवस्था है, जिसकी जमीन है उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसकी पहचान लेके फिर ही पंजीकरण करो, जितनी उसकी जमीन है उसका पंजीकरण करो। अब मेरे पास जमीन का 1 किला पंजीकरण 100 किलो का, मेरे अपने गांव में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है पिछले साल, बहुत बड़ी पंचायतें हुई है, आज तक उनका निपटारा नहीं हो रहा। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार तहसीलदार SDM पटवारी सबको निर्देशित करे कि आप द्वारा रिमार्क, वो जो लिस्ट है जमाबंदी की, उससे रिमार्क करवा कर जिसकी जितनी जमीन है उसका उतना ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमारा ये अनुरोध है। आगामी कार्रवाई के लिए हमने बार बार निवेदन किया, पटवारी से कहा, तहसीलदार से कहा, SDM से कहा, कलेक्टर साहब से मिले, वो आश्वासन देते हैं कि 2-3 दिन में आपकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन वही डाके 3 पात, होता कुछ नहीं, पारदर्शिता का कोरा ड्रामा किया जाता है। ये जी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो स्कैंडल चल रहा है नी, ये विभाग JGP का ये दुष्यंत चौटाला के पास है, उसको भी ये पता है ये घोटाला कितना बड़ा है, क्योंकि पिछले साल जो UP-BRC जीरी वो नहीं ली उसने, तो इसको पैसे दिए बता रहे हैं भाई 100-200 करोड़ रुपये दुष्यंत चौटाला को देकर, अरे फर्म वाले ने, और वो जीरी सारी सरकार के चेपी है, ये अरबों का घोटाला, छोटा घोटाला नहीं है, जो UP-BRC जीरी जो 1200 में आ रही है और यहाँ आकर 2200-2300 लग रही है ना, सरकार का चुनना लग रहा है। हम ये खट्टर साहब से भी कह रहे हैं और दुष्यंत से भी कह रहे हैं और अनिल विज से भी निवेदन है कि इस घोटाले को पारदर्शी करो, वैसे जबान पे सफाई नहीं आती, जब ले धरातल पर काम साफ नहीं होगा नहीं, किसानों की संतुष्टि नहीं होगी, और जिसका फर्जी के सारे डिस्ट्रिक्ट का कैथल का फर्जी है ये सारा काटा जावे, और जो जीरी बाहर से आवे वो सारी रोकी जावे, ताकि सरकार का फंड बच जाए, जो चुनना ना लगे, हमारी ये निवेदन है। और जो हमें आगे पराली हमारे को सरकार जो 1000 रुपये किला दे रही है गांठों का, वो हमारे जो किसान खेती करे, वास्तविक में पटवारी के पास रिकॉर्ड है उनका, जितने किले की वो खेती करे है उसी उन्हीं के नाम वो आना चाहिए, या जिसने ठेका पर जमीन ली है उसका कोई सबूत परमानेंट तहसील में लिखित में आना चाहिए उसको दो, नहीं तो सभी किसानों को मिलना चाहिए। और ये गांठों का पिछले साल सारा ये ठेकेदार और बड़ी जो फर्म थी वो खाएगी सारा, ठेकेदारों से मिलकर फर्जी बिल बनवाए उन्होंने, फर्जी 1000 रुपये गांठ ले गए, और यहाँ मजदूरों पर जीरी लग रहे हैं कटाने और हम आप पराली लग रहे हैं चुगन, लेकिन पैसे कहीं और लेने लग रहे हैं, लेकिन हमें को दुख है जो ये काम सही नहीं हो रहा नहीं, तो हम तो ये मंत्री जी से भी कह रहे हैं अपना ये भी अपना इसमें भाग ले, वे अपने अफसरों को। प्रवीण कुमार बड़ी सीकरी, हमारी सरकार से मांग है जो ये पोर्टल 28-29 तारीख को खोला गया है ये दोबारा से खोला जाए, और जो ये फर्जी इसमें किया हुआ है
पंजीकरण उनका कैंसिल किया जाए सभी का। इस पोर्टल को पोर्टल जल्द से जल्द खोल कर नए किसानों का किया जाए जिसके जो हकदार है इसके।